कानपुर के कुशाग्र हत्याकांड में कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा। 16 दिनों में छात्र और टीचर के बीच 51 बार क्या क्या हुई बातचीत। एक छात्र, एक टीचर और फोन पर 40-40 मिनट तक बातचीत, वो भी महज 16 दिनों में 51 बार, यानी रोज के हिसाब से तकरीबन 4 कॉल्स हर एक दिन। कानपुर के कुशाग्र हत्याकांड के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। ये खुलासा पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर किया है। कानपुर पुलिस ने साफ तौर पर दावा किया है कि जब टीचर रचिता के फोन कॉल्स की डिटेल्स निकाली गई, तो चकित कर देने वाली बात सामने आई। कानपुर पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच 16 दिनों में 51 बार बातचीत हुई थी, जिसमें 22 बार कुशाग्र ने रचिता को कॉल किया था, वहीं 29 बार रचिता ने कुशाग्र को कॉल किया था। इनमें कई बार तो 40-40 मिनट तक दोनों के बीच बातें हुई थी। वहीं दोनों के बीच बातचीत करने का ज्यादातर वक्त रात का था, वो तब जब रचिता ने कुशाग्र को साल भर पहले ही पढ़ाना छोड़ दिया था। जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच बार बार कॉल्स क्यों हो रहे थे। वहीं इतने लंबे ड्यूरेशन की कॉल्स में दोनों के बीच क्या बातें होती थी। हालांकि कानपुर पुलिस ने ये भी साफ किया है कि उनके फोन में किसी भी तरह के ऐसे चैट या फिर फोटो नहीं मिले हैं जिससे उनके बीच प्रेम संबंध को स्थापित किया जा सके। हालांकि कानपुर पुलिस इन कॉल्स की तहकीकात में जुट गई है। इससे पहले पुलिस ने प्रथम दृष्टया कुशाग्र और रचिता के बीच प्रेम संबंध होने का शक जाहिर किया था, लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल भी उठे थे। कुशाग्र के परिजनों ने भी आरोप लगाए थे कि पुलिस ने उनके बेटे के चरित्र हनन करने में जुटी है। कुशाग्र और रचिता के बीच महज एक टीचर और स्टूडेंट वाला रिश्ता था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जैसा कि पुलिस ने दावा किया है कि दोनों के फोन से इस तरीके के चैट्स और फोटोज नहीं मिले हैं, कुशाग्र के घर वालों की बातों में कुछ तो दम नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर दोनों के बीच 40 मिनट तक क्या बातें होती रही थी। वहीं पुलिस ने लंबी बातचीत और बार बार बातचीत की जाने का जैसा दावा किया है, ऐसे में घर वालों का ये भी दावा फेल होता नजर आ रहा है कि कुशाग्र रचिता से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। बहरहाल पुलिस की तरफ से कॉल डिटेल से जो भी बातें सामने आई है, वो इस केस के लिए जरूर अहम साबित हो सकती है। अब पुलिस इस एंगल पर भी अपनी जांच कर रही है, जिससे ये साबित हो सके कि आखिर दोनों के बीच फोन पर क्या बातें हुआ करती थी। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस की थ्योरी, जो कि कुशाग्र और रचिता के बीच प्रेम संबंध होने की बात है, वो सही साबित होती है या फिर कुशाग्र के घर वालों का वो दावा जिनमें उन्होंने दोनों के बीच के प्रेम प्रसंग होने की बात को सिरे से नकारा है, क्या सही साबित होता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।